डिमार्केशन बगैर कंसर्न्ड मिनिस्टर को संज्ञान में लाने, उनको बगैर बताए किया गया। सो दिल्ली सरकार जिसके मुखिया माननीय केजरीवाल साहब हैं, उनका डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो ये डिमार्केशन की कोई जानकारी नहीं दी गई ना तो रेवेन्यू मिनिस्टर को ना माननीय मुख्यमंत्री को। जब मैंने ये बात पूछी, चूंकि जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, जब कोई विलेज अर्बनाइज हो जाए तो उसके बाद फिर वो एक्ट खत्म हो जाता है वहां, तो डिमार्केशन की ड्यूटी रेवेन्यू ऑफिस की बनती नहीं थी, फिर भी कराया गया। 10 फरवरी 2023 को जब हमने ये बात संज्ञान में लेकर के आए, रात को ही 9 फरवरी को ही माननीय मंत्री को, माननीय कैलाश गहलोत जी को, तो तुरंत 10 फरवरी को मीटिंग बुलाई गई अधिकारियों की। उसका मीटिंग नोटिस आया जो कि उसको दिखाने हम पहुंचे डीडी के अधिकारियों को कि जी माननीय केजरीवाल जी के आदेश पर माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी ने मीटिंग बुलाई है इस बात के लिए, क्योंकि डिमार्केशन जिसके आधार पे लाख लोगों को विस्थापित कर रहे, उनके मकान तोड़ रहे, वो फ्लॉड है, और इसलिए आज का डिमोलिशन आप रोक दें। और इस बात को बताने के लिए महरौली के विधायक नरेश जी और हम पहुंचे डिमोलिशन साइट पे। जब ये बताने पहुंचे तो हमें अरेस्ट कर लिया गया कि जी आपका यहां होना ठीक नहीं है, आप यहां इलीगल काम कर रहे हैं। तो जो गरीब को बचाने जाएगा, जो मिडिल क्लास को बचाने जाएगा, जो झुग्गी को बचाने जाएगा, जो भाजपा के इन हरकतों के विरोध में सच्चाई लाएगा, उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने माननीय केजरीवाल साहब को बात बताई किस प्रकार से हो रहा है, तो वहां इस पे मीटिंग बुलाई गई। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया लिखित में, ये रिप्रेजेंटेशन है डिटेल्ड, इसमें बताया किस प्रकार से डिमार्केशन ऑर्डर फ्लॉड है। 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसका फॉलो होना बहुत जरूरी है डिमार्केशन में, क्यों फ्लॉड है। पहला, जिस भी जमीन का डिमार्केशन हो, वहां पे रह रहे लोगों से का पार्टिसिपेशन जरूरी है, उनसे पूछना जरूरी है कि भाई आप किस हक से यहां बैठे हैं, ऑनरशिप का प्रूफ क्या है, ये काम नहीं किया गया। डिमार्केशन जब हो जाए उसको आप पब्लिकली डिस्प्ले करते हो स्क्रूटनी के लिए, वो भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात जो हमने दिखाई आपको, किस प्रकार से लाइन ऑफ डिवीजन को शिफ्ट किया गया, गैर आबादी इलाके से आबादी इलाके में शिफ्ट किया गया, हजारों घर को उसके स्कोप में लाया गया तोड़ने के लिए। इस बात का संज्ञान लिया गया और माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी ने डिटेल्ड ऑर्डर पास किया और सरकारी ऑर्डर पास किया कि भाई जो डिमार्केशन है वो गलत है, सोमनाथ भारती का रिप्रेजेंटेशन आया है, गांव के लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया है, और बकायदा कहा, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, इन व्यू ऑफ द अबव रीजंस डीएम साउथ इज एडवाइज टू कैरी आउट फ्रेश डिमार्केशन एक्सरसाइज ऑफ मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड इन विलेज लद्दा सराय एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेम शैल बी स्ट्रिक्टली डन कीपिंग इन व्यू ऑफ माय ऑब्जर्वेशंस अबव। During this exercise, the persons who are likely to get affected need to be asked to remain present during the demarcation exercise for the sake of fairness and transparency. DM South is further advised to inform DD authorities about this letter that fresh demarcation exercise shall be taken and hence demolition be stopped. Kailash Gehlot, Minister of Revenue. Ab ye sarkari aadesh, दिल्ली सरकार का आदेश कि डिमार्केशन गलत हुआ है और इसीलिए दिल्ली सरकार डिमार्केशन को रोकना चाहते को इलीगल करार दे रही है, वाइड एवेन्यू करार दे रही है, तो जो बेसिस है डिमोलिशन का
डिमार्केशन, जब वही हट गया, जब फाउंडेशन हट गया तो बिल्डिंग तो गिरनी चाहिए। लेकिन ये डिमोलिशन को दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद नहीं रोक रहे हैं, और इसी कारण से आज मैं एलजी साहब से मिलने गया, डिटेल लेटर लेके गया, उनको समझाया, समझाने का प्रयत्न किया। ये चिट्ठी जिसमें राजनिवास का देखिए रिसीविंग लगा हुआ है, हम समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये डेमोलिशन इलीगल है। जब वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया गया, जब डिमार्केशन रिपोर्ट को नल एंड वॉइड केजरीवाल सरकार ने कर दिया, उसके बावजूद भाजपा शासित डीडीए और भाजपा शासित पुलिस और भाजपा के एलजी महोदय, ये तीनों मिलकर के दिल्ली के लोगों के सिर से छत छीन रहे हैं, जो निंदनीय है, अकल्पनीय है, गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है और हर प्रकार से इलीगल है।